पपनी धमा पनी पग प से शुरू हो गया डायरेक्ट, कोई पैटर्न नहीं है कि सा से शुरू होगा, म से शुरू, कहीं से भी शुरू हो सकता है ना। वो कंपोजर के भाव पर है, उसके मूड पर है कि उसे कैसे खिलाना है उस कंपोजिशन को, ठीक है। अब इसमें पहचानिए बांट किसे कहते हैं। बांट मतलब मैंने क्या बताया, शब्दों के बीच की स्पेसेस, यानी जन गण मन अधि बराबर में बोला है, ना कि जन गण मन अधि, समझे। ये मैंने क्या बदला, बांट बदली उसकी, लय नहीं बदली, लय तब भी वही थी, जन गण मन अधि, ऐसे करूंगा तब भी ये आपको 52 सेकंड में मिल जाएगा। और जन गण मन अधि नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, समझे। क्या किया, वर्ड डिवीजन बदला है मैंने। खेल खेल में जाने कितनी धनुहियां तोड़ डाली मैंने, खेल खेल में। शब्दों को की एक बांट होती है, एक तो गीत में होती है लय, लय और बांट का क्या फर्क होता है ना, आज उस पर मैं दोबारा आपसे चर्चा करता हूं। लय मतलब स्पीड होता है, ये लिखते रहना साथ साथ में, ठीक है। ये मैं थ्योरी भी बता रहा हूं इसकी, और साथ साथ इसी का प्रैक्टिकल करके भी आपको मैं अभी एग्जांपल दूंगा कि लय और बांट में क्या फर्क होता है। लय मतलब होती है स्पीड, और बांट का मतलब होता है डिविजन, ठीक है। डिविजन यानी कैसा बांटा हुआ है, बंटवारा कहते हैं ना जिसे, तो बांट उसे कहते हैं। गाने में एक तो लय होती है, जैसे मैं जनगण मन का एग्जांपल अक्सर देता हूँ क्योंकि ये फेमस गाना है और सबको मालूम भी, और सिंपल भी इसकी कंपोजिशन है। अब इसकी जो स्पीड जा रही है वो 60 BPM की है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 4 जन गण मन अधि, है ना। और अब इसी की दोगुन में जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो ये इस गाने की लय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी इसमें ताल चल रही है, जैसे खैरवा चल रही है ना, तो धागे नाति नक धिन्ना, धागे नाति नक धिन्ना, जन गण मन अधि। अब इस गाने की मुझे लय बदलनी हो तो मैं क्या करूंगा, धागे नाति नक धिन्ना, धागे नाति नक धिन्ना, जन गण मन अधिनायक जय हे। ये मैंने क्या किया, लय बढ़ाई, है ना। प्रैक्टिकली उसका इंप्लीमेंटेशन करके बता रहा हूं लय का। लय कम करूंगा तो जन गण मन अधि 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। या आपका मुझे कोई पसंदीदा गाना बताओ, जैसे चुपके चुपके रात दिन, आपको ये गजल पसंद है, ठीक है। अब इस गाने, इस गजल की अगर गायकी की कॉम्पोजिशन देखें तो कैसी है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ये इस गाने की लय है। इसको बढ़ा दूंगा मैं, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ये मैंने क्या किया, लय बढ़ाई, ठीक है। तो लय समझ गए कि लय मतलब उसकी ओवरऑल स्पीड क्या होती है, उसमें बदलाव करना। अब बांट पर आते हैं। बांट का अर्थ होता है शब्दों को किस स्पेसेस के साथ बोला जा रहा है। स्पेसेस यानी कहां गैप दिया है, कहां नहीं दिया है, है ना, कहां विश्रांति दी है, कहां नहीं दी है, वो गैप, वो वजन, उसे कहते हैं बांट। गाने में या कॉम्पोजिशन में जो आप कह रहे हो ना कि कोई भी गजल गाता हूं या गाना गाता हूं या कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज, गुलाम अली की कोई चीज गा रहे हैं, उसको तबले के साथ गाना मुश्किल होता है। मुश्किल आपको लय में नहीं आती है, लय तो आप पकड़ लेते हो, जैसे चुपके चुपके रात दिन, जो भी उसकी बांट, जो भी उसकी लय जा रही है ना, जैसे ये गई, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो ये तो आपने पकड़ लिया, है ना। लेकिन अब आपकी दिक्कत क्या पड़ती है, बांट की, यानी कौन से शब्द के बाद कितनी स्पेस कॉम्पोजिशन में आई है। कॉम्पोजिशन ऐसे ही बनती है, कोई भी कॉम्पोजिशन है ना, धुन है, धुन में क्या है, एक सुर है, लय है, ताल है, शब्द है,
इन चारों का समावेश, इन चारों को मिला दो तो एक कॉम्पोजिशन बन जाती है। कॉम्पोजिशन का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है कि भाई कॉम्पोज करना मतलब इधर से कुछ लिया, इधर से कुछ लिया, इधर से कुछ लिया, इधर से कुछ लिया, ये कुछ एक बनाया, ये कॉम्पोजिशन है, है ना। जैसे चाय बनाई तो चाय में दूध कितना डाला, चाय पत्ती कितनी डाली, ये अपना चीनी कितनी डाली या अदरक डाली तो वो कितनी, इलायची डाली तो वो कितनी, पानी मिलाया तो वो कितना, है कि नहीं। तो ये इंग्रेडिएंट से एक कॉम्पोजिशन बनी चाय। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने अभी गिना दिए, सुर, लय, ताल, शब्द, इन सबको मिलाया, इनका समावेश किया तो एक गीत बना, एक गजल बनी या भजन बना, ठीक है। अब शब्दों को लय में कैसे पिरोना है, जैसे मैंने आपको जब सबसे पहले लय से अवगत कराया, जब मैंने सबसे पहले लय सिखाई तो कैसे समझाया, ताल के थ्रू लय को समझो, यानी ताल क्या जा रही है, उसकी वजन क्या है, उसका वजन क्या है, उसमें लय को पिरो, है ना। जैसे आपने धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना, ये क्या कर रहे हो आप, ताल को लय में मिला रहे हो, ये हमने किया सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या किया, स्वरों को लय में मिलाया। पहले अलंकार गाया सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा ने द प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा ने द प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा ने द प म ग रे सा, यानी स्वरों को अलग अलग लय में किया। तो ये गीत बनाने या गीत को समझने की प्रक्रिया में ही हमारी ये मदद थी, ये सहायता थी, ये समझ लीजिए कि पहले हमने स्वर का लय में समावेश किया, फिर ताल का लय में समावेश किया, तो हम समझ गए कि स्वर लय ताल एक साथ चलती है तो कैसे होता है। फिर हमने तीन ताल में उस अलंकार को गा के देखा, तीसरा अलंकार गाया तो दादरा गा के देखी। तो ये बांट और लय की एक्सरसाइजेज हमने कर ली और एक पैटर्न में करी। मैंने हमेशा कहा ना कि जब प्रैक्टिकल करते हो तो रैंडम आता है, है ना। अलंकार गाए, ताल करी, लय करी, तो एक पैटर्न था कि भाई ठा से दो गुण से तीन गुण, तीन गुण से चार गुण, है ना। या अलंकार गया तो पहले एक 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 का सुर, फिर दो दो का सुर, फिर तीन तीन का पेयर, फिर चार चार का पेयर, या छोड़ छोड़ के सुर गाए, वहाँ एक पैटर्न होता है। लेकिन राग में या गीत में या कॉम्पोजिशन में रैंडम होता है ना। अभी इसमें सा पा सा सा ग रे सा म रे नी, कोई पैटर्न नहीं है, कहीं भी कुछ भी आ सकता है। सा से भी शुरू हो सकती है और इसके शेर शुरू होते हैं पा प नी ध म प नी प ग, प से शुरू हो गया डायरेक्ट, कोई पैटर्न नहीं है कि सा से शुरू होगा, म से शुरू, कहीं से भी शुरू हो सकता है, है ना। वो कंपोजर के भाव पर है, उसके मूड पर है कि उसे कैसे खिलाना है उस कंपोजिशन को, ठीक है। अब इसमें पहचानिए बांट किसे कहते हैं। बांट मतलब मैंने क्या बताया, शब्दों के बीच की स्पेसेस, यानी जन गण मन अधि बराबर में बोला है, ना कि जन गण मन अधि, समझे। ये मैंने क्या बदला, बांट बदली उसकी, लय नहीं बदली, लय तब भी वही थी जन गण मन अधि, ऐसे करूंगा तब भी ये आपको 52 सेकंड में मिल जाएगा। और जन गण मन अधि नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, समझे। क्या किया, वर्ड डिवीजन बदला है मैंने, वर्ड्स के बीच की स्पेसेस बदली है। यही हमें समझ नहीं आती है गीतों में या गजलों में। लय तो हम पकड़ लेते हैं उमूमन कि ये लय जा रही थी, चुपके चुपके रात दिन की आपने लय पकड़ ली, लेकिन बांट नहीं पकड़ पाए कि कौन से शब्द के बाद कितनी स्पेस है, है ना, क्योंकि वहां स्पेस रैंडम है, समझे। कोई पैटर्न नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। जनगण मन में फिर भी एक पैटर्न है, क्योंकि ये एक ऐसा गीत है जो सबको गाना है, है ना, इसलिए इसमें पैटर्न है कि इक्वल जा रहा है, कहीं भी एक्स्ट्रा गैप नहीं है। लेकिन उमूमन गीतों में ऐसा होता नहीं है। जैसे लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घो की दुम पे जो मारा थोड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा, एक जैसा जा रहा है, सपाट जा रहा है, समान जा रहा है, डिवीजन बराबर है, है ना। उमूमन ऐसे गीत वो होते हैं जो ग्रुप में गाए जाते हैं या जो नारे होते हैं एक तरह से, है ना, जिनको सबको गवाना है। भाई जनगण मन है, अगर उसकी कॉम्पोजिशन क्लासिकल कर दी होती तो हर आम इंसान गा नहीं पाता, है कि नहीं। वरना जनगण मन बनाने को तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ऐसे भी की जा सकती थी, कोई गलत नहीं है उसमें। भाई मेरे शब्द हैं, मैं उन शब्दों को किस भाव से मैं इंटरप्रेट करता हूं और कैसे मैं आपको सुनाता हूं, वो मेरे ऊपर है ना, मेरी कॉम्पोजिशन पर है, ठीक है। तो ऐसे भी धुनें बन सकती थी, पर धुन बराबर की बनी क्योंकि सबको गवाना है तो आसान हो जाए ताकि,
लेकिन गुलाम अली ने ये सोच के थोड़ी गजल बनाई कि ये सब गाएंगे, हैं? सीधी सी बात है भाई, पहले के कई गीत ऐसे भी होते थे जो आम इंसान की जबान के बनते थे, जैसे का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, है ना, एक जैसी रिदम जा रही है। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, एक जैसी धुन जा रही है ना। इसको गाना आपके लिए बनिस्बत चुपके चुपके रात दिन आसान होगा, है कि नहीं, क्योंकि एक जैसी रिदम जा रही है, धिंता ता, एक दो तीन चार पांच एक दो, है ना, जैसे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, या ओम जय जगदीश हरे, ये ऐसी धुनें जो पारंपरिक धुनें हो जाती हैं, या ऐसे भजन या ऐसे गीत जो सब में को गवाने होते हैं, उनकी बांट समान रखी जाती है, है ना। लेकिन जो गजलें हैं या गीत हैं जो जिसमें कलाकारी है, वहां बांट तय हो, एक जैसी हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। तो अगर चुपके चुपके रात दिन अगर आपको समझना है तो उसकी बांट को समझना पड़ेगा, और बांट समझने के लिए फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड पोएट्री, है ना। जब आप पोएट्री को समझते हो तब पोएट्री रिदम से कैसे जुड़ती है वो समझ आता है, समझ रहे हो। मैंने पिछली बार भी आपको जब क्लास में समझाया था कि पोएट्री अगर आप देखते हो तो उसमें एक चीज होती है बहर, ये शब्द मैंने बताया था आपको, बहर, बहर का मतलब होता है मीटर, उसका छंद कैसा है। जैसे चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफअतन, और तेरा ता ता दुपट्टे मुंह छुपाना याद है, जो भी एग्जैक्ट उसकी लिरिक्स है, पर उसकी रिदम क्या जा रही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 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 है ना। भले आप गाओ वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः, वर्ड्स को जब रिदम में पढ़ने लगते हो ना तो खुद ब खुद उनको रिदम में गाने लगते हो। हमारी दिक्कत क्या आती है, हम वर्ड्स की रिदम नहीं समझ पाते हैं कि वर्ड्स की मीटर क्या है। अगर उधर मीटर नहीं समझ पाए तो कॉम्पोजिशन का मीटर नहीं समझ पाओगे। कई बार क्या होता है, कॉम्पोजिशन का मीटर और वर्ड्स का मीटर अलग अलग होता है। जैसे आपने वो सुनी है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सुनिए, ये हरिहरन साहब की अगर आप सुनो या नुसरत साहब की आप सुनो तो वो सात मात्रा में आपको मिलेगी, लेकिन आप मेहदी हसन साहब की सुनो वो आपको आठ मात्रा में मिलेगी। उन्होंने इसको कहरवा में गाया है, तो क्या बदला, बांट बदली, है ना। जैसे अगर मैं आपको सुनाऊंगा के, तो जैसे मैंने भी इसको बनाया, मैंने भी इसको रूपक में ही बनाया है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं ख्याल हूं नाना दिन दिन ना त्रितिन तिन ना त्रिधिन दिन नाना दिन किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, है ना। तो जो ये क्या किया, इसको रूपक में गाया, है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब इसी को मेहदी साहब ने कुछ अलग ढंग से गाया। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं खदा ताकत तिट ताता तिट धिन धिन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, शब्दों की बांट बदल के, जैसे मैंने किया ना भी, जन गण मन अधिनायक जय है, ऐसे भी बोला जा सकता है इसको, और इसको जन गण मन अधिनायक जय है। बेसिकली ये है कि खाका इतना है आपका, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है भाई। अब जब आप वो देखते हैं अभी मुझ में कहीं,
उसको जब आप सुनते हैं और उसकी पोएट्री को अगर आप पढ़ेंगे ना जब पेपर पे लेके, उसमें कहीं आपको ना 7 मात्रा नजर आएगी ना 14 मात्रा नजर आएगी, लेकिन उस गाने की कॉम्पोजिशन 14 में की गई। तो कई बार ये भी होता है, बिल्कुल 8 में, 6 में, 5 में, 4 में, कितने में चाहिए आपको, आप बोलो उतने में हो सकती है, हर गीत बन सकता है ना। लेकिन बात कौन सा वाला अभी मुझ में कहीं अभी करके बताते हैं। अब जैसे उसमें जो लय चल रही थी ना वो थी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, है ना। अब मैं आपको इसको रिदम के साथ ही गा के बताता हूँ तो आपको जल्दी समझ आएगा, मतलब मैं तो रिदम में गाऊंगा लेकिन मेरे रिदम यहाँ चल रही होगी वो आपको कैसे सुनाई देगी, तो इसीलिए मैं रिदम लगा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो वही मैं पुरानी बहर बता रहा हूँ उसकी, कि ये इसका मीटर पहला था और अब इसका मीटर जो हम बदलेंगे, खूबसूरत लगनी चाहिए उसकी बांट। अब जैसे मैंने पढ़ा कि जन गण मन अधिनायक, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। बात देखिए, शब्द जब कॉम्पोजिशन होती है ना तो ऐसी कॉम्पोजिशन होनी चाहिए कि आपके शब्द बात करें, जैसे ये ध्यान रखना है कि जैसे आपके शब्द बोलने चाहिए, है ना। जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल दिया ना कि अगर आप बोलोगे रुको मत जाओ और रुको मत जाओ, यही 3 शब्द हैं लेकिन पॉज से मीनिंग बदल गया, तो ये पॉजेज आपको ख्याल रखने होते हैं कि आप कहां पर दोगे, है ना। अब जैसे मैं आपको ये सुनाता हूं, अभी ये लय चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 अभी अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, दरा 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 दरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, है ना। पर ये क्या हुआ, गाने का मूड बदल गया बिल्कुल। बिल्कुल यही तो किया जाता है, देखिए गाने अभी इसको शब्द जब पढ़ोगे, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, है ना, इस तरह से पढ़ोगे अगर इसे, तो इसमें फिर भी रूपक नजर आ रही है, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, लेकिन इस तरह से इसे गाया नहीं गया है, अभी मुझ में इतना पॉज देके फिर इसको रिदम में बिठाया है, है ना। तो इस तरह से जब आप कॉम्पोजिशन करते हो आप बांट बदल सकते हो, बांट आपकी धुन पर है, आपकी धुन की स्टाइल पर है, अगर वो चलत में है। देखिए एक ये भी आपको मैं राज की बात बताता हूँ, राज तो क्या अनुभव की बात है, ये जब आप कॉम्पोजिशंस बनाने लगते हैं, बहुत सारी कॉम्पोजिशंस गाने लगते हैं ना, ये चीज़ आपको तब समझ आती है कि लय का और बांट का आपस में बहुत बड़ा तारतम्य है। अगर आपका गीत या गज़ल या आप जो भी भजन गा रहे हो वो चलत में है तो उसकी बांट बदलना मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे अभी इतनी स्पेसेस हैं इसमें, तो मैं इसको किसी भी ताल में गा सकता हूँ, लेकिन स्पेसेस है क्योंकि छूट मिल गई मेरे को, है ना। एक आप मुझे कोई सा भी गाना दीजिए, जैसे चुपके चुपके रात दिन, ठीक है, इसकी एक कॉम्पोजिशन मैं आपको सुनाता हूँ, इसको पहले रूपक में अगर आपको मैं सुनाऊँ, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ठीक है। अब इसको देखो, इसी को कहरवा में गाते हैं अपन, रिदम लगा लेते हैं साथ में, इसको झपताल में भी गा सकते हैं, सुनने पर है कि अच्छा कौन सा वाला लग रहा है। कई बार वो भद्दा भी लगता है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको साथ में ही बनाया जाए, पर यार देखो ये नहीं है, रिलेट की बात नहीं है, बात एक्सपेरिमेंट की है, संगीत तो एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस का नाम है। आप नया कुछ अनुभव करना है तो कुछ नए आपको परीक्षण करने पड़ेंगे। ये चल रही रिदम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, ठीक है। चुपके
चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। गा दिया इसको ऐसे भी। अब इसी की आप देखिए, मैं इसको आठ ही मात्रा में गाऊंगा लेकिन लय और कम करके। हाँ ये देखो अभी लय ये चल रही है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। एक दो तीन चार, है ना। तो जितनी ज्यादा कम लय होगी उतनी आपके पास छूट है कि कितनी भी बहर की, कोई सी भी मीटर की गजल या कोई भी मीटर का गीत आप उसमें गा सकते हो। लेकिन यही अगर चलत में हो गया तो दिक्कत आ जाती है, है ना। क्योंकि चलत में क्या है, जगह मिलती ही नहीं है, फंस जाते हो आप, स्पेसिस ही नहीं है। स्पेसिस नहीं है तो बदलोगे कैसे, है कि नहीं। अब जनगण मन को मैं झपताल में भी गा सकता हूँ, पांच मात्रा में भी गा सकता हूँ, जबकि आठ में है वो, है कि नहीं। तो कैसे करना है, कुछ नहीं, शब्दों की स्पेसिस बदलनी है। तो जब स्पेसिस बदलना समझ आ जाता है, खुद ब खुद गजलें समझ आ जाती हैं, खुद ब खुद गीत आपको समझ आ जाते हैं। चुपके चुपके रात दिन को अगर आपको समझना है तो स्पेसिस को समझना पड़ेगा कि रूपक अगर जाती है तो उसमें अलग अलग वेरिएशंस कैसे हो सकते हैं। अब रंजिश ही सही, अगर इसको पढ़ोगे तो पढ़ो, जब अपने आप इसका मीटर मालूम चलेगा। मैंने शुरुआती दौर में मेरी कॉम्पोजिशंस जब मैंने बनाना शुरू किया है ना, जब से धुने बनाना शुरू किया है, गज़लें बनाना शुरू किया है, उसमें से कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने रूपक की गज़लों को आठ में बनाया है या आठ की गज़लों को मैंने रूपक में बनाया है। कई बार ऐसा मेरे साथ हो गया, क्योंकि तब मैं, मेरे अंदर एक खामी क्या थी, मैं शब्दों से मीटर नहीं पकड़ पाता था, है ना। मुझे जो धुन का मीटर आ गया मैं उसमें शब्द पिरो दिया करता था। पर ऐसा नहीं होता है कि आपको आपके जो मीटर ध्यान में आया, आपको शब्दों को पहले समझना होता है। मीटर दो जगह होता है, पोएट्री में भी और धुन में भी। अब आपने एक बार धुन बना दी, अब उसमें आप शब्द फिट कर रहे हो तो कैसे फिट करोगे, बांट बदल के। तो कई बार वो अजीब लगता है कि कोई शब्द जल्दी से बोल दिया, है ना। जैसे चुपके चुपके रात दिन को अगर मैं जल्दी से किसी को बोल दूं तो चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। अब रात दिन इतनी जल्दी बोल दिया, बड़ा भद्दा लग रहा है, ये खूबसूरत नहीं लग रहा है। तो शब्दों को बोलने में खूबसूरती भी आनी चाहिए। खूबसूरती से मेरा मतलब है समझ आ जाना चाहिए, स्पष्ट साफ। क्योंकि गजल या गीत या संगीत का यही मतलब है, उसमें अगर शब्द हैं तो उसका मतलब है वार्तालाप। आप गुलाम अली के इंटरव्यू सुनिए, उसमें वो यही बोलते हैं कि ऐसी कॉम्पोजिशन करो कि गजल खुद बोले, है ना। ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब जैसे मैंने गाया, आँख से दूर ना हो, तो मेरी कॉम्पोजिशन में वो दूरी नजर आई, है ना। इसे कहते हैं इफेक्ट्स देना आपकी कॉम्पोजिशन में शब्दों के अकॉर्डिंग। आँख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा, है ना। अभी जो आपने हाल ही में वो सुना होगा उनका, अरिजीत का मुस्कुराहट सुना है, गंगूबाई का, है ना। तो उसमें उसमें भी एक गाना है मुस्कुराहट, ये जो इसी राग में है, उसमें एक शब्द आता है, उदासियों तले मुस्कुराहटें दबी, जरा से होंठ हिलाओ, ये शब्द आता है उसमें। तो उसमें वो हिलाओ को कैसे इफेक्ट दिया है उन्होंने, दबी जरा से होंठ हिलाओ, तो ये हिलाव दिखाया है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉम्पोजिशंस में बदलाव करते हैं। अब मैं आखिर आपको एक बार वो रंजिश ही सही भी रूपक में सुना दूं। धिन धिन ना ना, धिन धिन ना ना, तिन तिन ना, धिन धिन, ठीक है। ये लय चल रही है,
रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आए, रंजिश ही सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही है ना। अब बात सीधी सी हो जाती है कि गाने की लय क्या रहेगी और गाने की ताल क्या रहेगी, वो निर्भर करता है कि गाना जब आप परफॉर्म कर रहे हो या वो बन चला है तो वो सुनने में कैसा लग रहा है। अब इसमें थोड़े ज़्यादा पॉजेज आ रहे हैं है ना, थोड़े गैप्स ज़्यादा आ रहे हैं, इसीलिए इसे दादरा में लिया गया कि थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाएगा। कॉम्पोजिशन के स्टाइल पर भी निर्भर करता है ना। अब चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, तो ये साथ में आ गया, लेकिन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। लय जैसे ही कम करते हो आप, आपको छूट मिल जाती है, बस इतना सा ख्याल रखना है, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू, ठीक है। इस तरह से भी किया जा सकता है ना, पर वो दिखने में खूबसूरत लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, उस पर निर्भर करता है ना। सुनने में अच्छा लगना चाहिए, फिर ताल लय कोई सी भी हो, ताल लय चुनने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, सुनने में अच्छा लगना चाहिए।